गर्मी, कैसे हो आप सब? चलो बात करते हैं आपके कमेंट्स की। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू डियर, कोई बात नहीं, मेरी उर्दू भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। और ये जो फिल्म आप लोगों ने मेरे साथ चलाई है ना, कि एक ही बंदे ने जो है वो 20-20 कमेंट सेंड कर दिए, हार्ट सिंगल हार्ट सेंड कर दिए और जी हो गई आपके 100 कमेंट्स पूरे। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था जैसा आप लोगों ने किया है। ये ज़रा मेरा मूड ठीक हो जाए तो फिर इसका हिसाब लूँगी मैं आपसे। फिलहाल तो मैं भी कुछ नहीं कह रही आपको इस बात पे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर कंसर्न, योर मोटिवेशन एंड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच आर्मी। आई एग्री, मैं आपकी सारी बातें मानती हूँ और थैंक यू सो मच इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। लेकिन जब चीज़ें ख़राब हो जाए ना तो उनको ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मेरा मूड भी ठीक हो जाएगा, होपफुली जल्दी हो जाएगा। काफ़ी टाइम पहले ना किसी एक का कमेंट आया था और उसने मुझसे पूछा था कि आपकी मदर के बगैर ज़िंदगी कैसी लगती है। तो यार मम्मा के बगैर ज़िंदगी खाली है, ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। और लिटरली मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मेरी मदर बहुत यंग थी जब उनकी डेथ हुई है, मामा की एज 50s में थी। और चलिए स्टोरी की बात करते हैं, मामा के बारे में बात नहीं हो पाती। तो जब से होश में आया था रोए जा रहा था, और माइक इसके पास बैठा इसे चुप करवाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। माय क्यूट कॉटन कैंडी, देख मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ यार, बस भी कर जाओ। लिटरली मुझे आदत नहीं है इतने प्यार की। अच्छा चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं हर टाइम ब्लूट प्रूफ वेस्ट पहन कर फिरता हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं एक मिशन पर था तुम्हारे ग्रीन मॉन्स्टर के साथ और मुझे तो गोलियाँ लग गई थी। तब इसने मेरा बहुत ख्याल रखा था, अपनों के लिए बहुत नरम है तुम्हारा ग्रीन मॉन्स्टर। और ये सब भी प्लान था, जन जन कुक का प्लान, वो बस देखना चाहता था कि यहाँ इसके कौन कौन से लोग हैं। एक मिनट के लिए भी हम इसकी नज़र से ओझल नहीं हुए थे। और इसका सबसे खास आदमी जैक अब ग्रीन मॉन्स्टर के कब्जे में है। ये सुनकर इसके रोने में मजीद शिद्दत ही आई थी। माइक का दिल किया कि अपना सर दीवार में मार ले, वो इसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था और तय था कि इसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। वो जो कब से दीवार से टेक लगाए खड़ा था, अब बस सुई थी इसकी, इसी अंदर चलाया। इसे माइक का ग्रीन मॉन्स्टर कहना मजा दे गया था। माइक को गोलियां तो नहीं लगी थी, पर रोल होकर गिरा था तो पाँव पर मोच आ गई थी, जिसकी वजह से पाँव में हल्की सी स्वेलिंग थी। यार माइक, तुमने जो पाँव सजा लिया है तो मेरी शादी में डांस कौन करेगा? अब उठ जाओ, वो अचानक बोला तो माइक ने हैरत से उसे देखा। हाँ, मैंने भी हैरत से इसे देखा। क्या सच? फिर तो मैं बिल्कुल भला चंगा हूँ। जेके कब इसकी बात पूरी होने से पहले तय बोल पड़ा। माइक, इनसे बोल दो मुझे नहीं करनी इनसे शादी, वो कहता वहां से भागकर दूसरे कमरे में बंद हुआ था। जन जंगू के पैरों के नीचे से जमीन खिसकी थी, वो एक अनजानी सी आग की भट्टी में झोंक दिया गया था। पल पल तड़प रहा था, पल पल इसके बगैर मर रहा था, और वो क्या बोलकर चला गया था। वो जो पत्थर दिल में सुराख करता इसे छनी छनी कर चुका था, अब इसे किस अजाब में झोंकना चाहता था। माइक हद तक जेके की जानिब देखने लगा, जबकि वो खाली खाली नजरों से दरवाजे को देख रहा था। वो जैसे ही जैक को सेल में बंद करके आया था तो सीधा अपने रूम में आया था अपने एंजल के दीदार करने। पर
वो रूम में था ही नहीं जब इनके साथ सीने में अटकी थी, क्योंकि इसके मेंशन से जाने के बाद इसने इसे मेंशन में नहीं देखा। इसने फ्री होते ही अपना सीक्रेट कैम ऑन किया था, पर वो इसे नजर नहीं आया था। उसे लगा लॉन में होगा, पर अब सुबह के 7 बजे ये कहाँ जा सकता है। जब उसे ढूंढने बाहर आया जिन जो किसी काम से वापस आ रहा था, इसे देख बोला, खैरियत बरखुददार, इतने परेशान होकर किसे ढूंढ रहे हो। मैं नहीं तो डेडा, मैं तो अभी वापस आया था। अच्छा ठीक, मुझे लगा तुम शुगा को ढूंढ रहे हो। खैर मैं तुम्हें बता दूं कि शुगा यहाँ नहीं है, कल मैंने इसे दारुल अमान भिजवा दिया है। कब तक हम इसे अपने साथ रखते? अल्फाज से या पिला हुआ शीशा जैसे कानों में डाला गया था। डैडा, इसे मैं यहाँ लाया था तो मुझसे पूछे बिना इसे यहाँ से किसने भेजा? ये कहकर वो यहाँ से जाने लगा, क्योंकि इसके गुस्से का ग्राफ हाई हो रहा था और वो नहीं चाहता था कि वो जिनसे कुछ भी कहे। कहाँ जा रहे हो जिमिन? उसे ढूंढने जा रहा हूँ डैडा, जो मेरे जीने का मकसद है, जो मेरी आती जाती सांस की जमानत है। जिसका होना मेरे होने के लिए लाजिम हो गया है, वो मेरी रूह में शामिल हो गया है। इससे दूर रहना बस में नहीं अब पार्क जिमिन के। इसे लेने जा रहा हूँ डैडा, मैं इसके बगैर मर जाऊंगा। जिसे देखे बिना मेरी सांस अटकने लगी है। जिसे देखे बिना मेरा दम घुट रहा है। मुझे इसे वापस लाना है डैडा, और दुआ करें वो मुझे मिल जाए, वरना फिर जो कयामत मैं लाऊंगा ये दुनिया याद करेगी। ये कहते ही वो एक झटके से मुड़ा और वहां से जाने लगा। चिवन, क्या सच में इतनी मोहब्बत करते हो इससे? नहीं डैडा, ये बात अब मोहब्बत की नहीं रही, ये इससे कहीं आगे का मामला है। तो इसे बिना किसी रिश्ते के अपने साथ रखोगे क्या? रखेल बनाना चाहते हो इसे? हाँ, डैडा, इसे सदमे और गुस्से के मिले जुए तासरा से जिनके तरफ देखा। सही तो बोल रहा हूँ, पिछले 2 हफ्तों से वो यहाँ था, बिना किसी रिश्ते के तुमने इसे 2 बार छुआ है। बोलो क्या ऐसा नहीं है? हाँ बताओ, क्या नहीं छुआ? तुम्हें क्या लगा मैं अंधा हूँ या बेवकूफ हूँ जो दुनिया पर नजर रखकर बैठा हूँ, पर अपने ही घर के हालात से अनजान हूँ? हाँ मानता हूँ गलती की है, पर आप मेरे इश्क को गाली नहीं दे सकते, मेरा इश्क इबादत है मेरी। मैं इसे वापस लाकर आपके सामने शादी करूंगा इससे, ये वादा है मेरा आपसे, और पार्क जिमिन कभी अपने वादे नहीं तोड़ता। वो आंधी तूफान बना गार्ड्स के पास आया था, पर अब इन पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। तुम लोगों को मुफ्त की रोटियां तोड़ने रखा है? बोलो मेरी मर्जी के बिना वो यहाँ से बाहर कैसे निकला, जबकि मैंने मना किया था कि वो इस मेंशन से बाहर नहीं जाएगा। किसकी इजाजत से वो यहाँ से गया और कहाँ छोड़कर आए हो इस? मैं काम खोलो, तुम्हें जल्दी बको। जिन तसल्ली से पैंट की पॉकेट में हाथ डाल ले अपने बेटे का पागलपन देख रहा था, तब अचानक बोला, मेरी मर्जी से, अब क्या मुझ पर भी हाथ उठाओगे? हाँ
आर्मी मेरा दिल बहुत उदास है, मुझसे लिखा भी नहीं जा रहा था। मैंने बहुत टाइम लगा कर ये इतना सा पार्ट लिखा है, होपफुली आप मेरी कंडीशन को समझो और आज के लिए माजरत। आई नो लॉन्ग पार्ट नहीं है, पर प्लीज़ आज के लिए एडजस्ट कर लो।